हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नव उदय बैच के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इसका मैंने पूरा ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट वगैरह को बोर्ड पर लिख दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो होंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। इसके अलावा हम 2-3 नोट देखेंगे, नोट देखने के बाद में 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने शुरू के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन 4 लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 5 देखिए, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको आपकी बुक के अंदर रोल ऑफ जीरो के नाम से भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में इसका टॉपिक का नाम रोल ऑफ जीरो दे रखा है। अब क्या है समझते हैं। देखो, आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले थी वैसी की वैसी रहे, यानी उसमें कोई ऐसा चेंज करो जिससे उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो देखो क्या बोला है, जैसे कि P/Q एक रैशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे को P/Q ही मिले, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, यहाँ पे A+B बोलो या B+A बोलो, यानी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किए, ठीक है। तो ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि वही रिजल्ट मिले, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जीरो ऐड कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो जीरो होता है, जीरो को ही क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ये फिक्स है, कोई भी नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स है, क्या होगी, जीरो होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे 2/3 प्लस यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बराबर आंसर कितना आ रहा है, 2/3। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे क्या हो, जीरो हो। अगर कोई और नंबर लिख दोगे तो इसका रिजल्ट बदल जाएगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अब उसको कैसे समझें कि भाई किसी नंबर में ऐसा कुछ ऐड करो जिससे कि रिजल्ट हमें जीरो मिल जाए। जैसे कि 5 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट जीरो मिल जाए, तो 5 में अगर -5 ऐड कर दोगे तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे -5 क्या है, 5 का एडिटिव इन्वर्स है। यानी हम बोल सकते हैं अगर एक नंबर x है उसमें -x जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसको वो करोगे तो x, ये प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करो, जैसे ये नंबर हमने ऐड किया जिससे रिजल्ट क्या मिल गया, जीरो। जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई, एडिटिव आइडेंटिटी अब अगर हमारे को मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो माइनस एक्स है ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, किसका, इस एक्स का। जैसे एग्जांपल को समझे, 5/3 है तो हमारे को एडिटिव इन्वर्स बताना है तो वो कितना होगा, -5/3। सेम उसी तरीके से अगर -2/3, ये -2/3 है, -2/3 का एडिटिव इन्वर्स पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या किसे कहते हैं, जिसको आपके चैप्टर में रोल ऑफ 1 के नाम से भी दिया हुआ है। तो देखो, आइडेंटिटी का मतलब वही है कि रिजल्ट हमारा सेम रहना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव वाले केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, या फिर उसको कोमोटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या रहे, P/Q रहे, तब हम बोलेंगे कि वो वाला जो नंबर होगा जो भी यहाँ आएगा वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट वही आता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ अगर 1 लिख दे तो हमारे को क्या मिलेगा, रिजल्ट वही मिलेगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहलाती है, 1, फिक्स है। कोई सा भी नंबर हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ये तो इस एग्जांपल का आंसर जल्दी से बताऊं, 5/4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जिससे कि 5/4 ही आ जाए, 1 ही आएगा। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ध्यान रखना। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसको हम कई बार यूज भी कर चुके हैं। तो देखो इसको देखते हैं, अब ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हाँ सॉरी, जैसे यहाँ A/B एक नंबर है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए।
अब इसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 2/3 है, इसको अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ दे ही रखा है, अगर इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सब कुछ डिवाइड हो गया, कितना बचा 1। यानी कि अगर हम 2/3 को 3/2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर a बाई बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट कितना मिले, 1 मिले, तो वो जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, a बाई बी का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, b बाई ए। तो हम बोलेंगे कि b बाई ए इज द रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बाई बी, और वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा भी हो सकता है, कि अगर a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये क्या है, b बाई ए है, तो b बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a बाई बी होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ इस वाले केस में ऑफ 2/3 इजिकल कितना होगा, 3/2। और ऐसे एक और बताओ, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/4 वो कितना हो जाएगा, 4/-3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर दो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई नंबर है 1, ठीक है, नंबर है हमारा 1 है, रेस्ट अगर इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, इसको 1/1 मान लो, तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल भी कितना आ रहा है, 1/1 यानी 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे नोट यही लिखा है कि हमने क्या लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1। ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है कोई 0, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। कैसे, जैसे 0 लिख दिया, इसके नीचे 1 लगा दो, अब इसका जब रेसिप्रोकल निकालोगे तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/0। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में नॉट 0 कभी नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकाला जा सकता है या नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम दो क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो देखो, फाइंड द वैल्यू व्हेन -7/11 इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 21/22। क्या बोला है कि हमें वैल्यू बतानी है जब -7/11 क्या किया जाता है, इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 21/22 इज इक्वल 22/21 होगा। नाउ हमारे को मल्टीप्लाई करना है इसको, तो -7/11 को मल्टीप्लाई करना है 22/21 से, क्योंकि उसने बोला ना कि इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल से, इससे दो बार डिवाइड हो गया, 7/1 = 7, 7/3 = 21, ऊपर क्या आया, 2/1 = 2, और माइनस का इसलिए माइनस का 2, और नीचे ओनली 3 बचा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2/3। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। तो देखो, द ऑर्डर इन विच वी एड रेस्ट द नंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स सम, मतलब कौन से ऑर्डर में हम लोग उनको एड कर रहे हैं उससे हमारा रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो इसको हम इससे एड कर लें या फिर बी प्लस सी इससे एड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती थी, ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कन्फ्यूजन है इसमें कि ऑर्डर, ऑर्डर का ऐसा भी सोच सकते हैं भाई ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए, तो उसके हिसाब से अगर सोचोगे तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैं पूरा वेरीफाई करके बता दूंगा। तो अगर इस हिसाब से ऑर्डर का मतलब कहना चाहता है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए, तो उस वाले सेंस में तो क्या होगा, इसका आंसर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होगा। और अगर बोल रहा है कि किसी भी ग्रुप के हिसाब से पहले ग्रुप को वो कर ले, तो आई थिंक इसका फाइनल आंसर कोमोटेटिव होना चाहिए कि ऑर्डर वैलिड नहीं कर रहा है मतलब। और अगर ग्रुपिंग के हिसाब से सोचेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप इन दोनों को सोच सकते हो उसके हिसाब से, इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके देख लेना। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, इसको आप नोट कर लीजिए।
आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस करेंगे किसके ऊपर, रेशनल नंबर्स के ऊपर, यानी कि जितने भी एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, बहुत छोटा लेक्चर होगा। इसी के साथ में हम लोग उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी की, उसके भी सॉल्यूशंस उसमें हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।